हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। अर्चना की जैन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची मसाला सेव की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है और हलवा योग के टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे मैंने आपसे शेयर किया है, तो रेसिपी को अंत तक जरूर देखिए। इस तरह की रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और इस चैनल पर मैं सभी जैन रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ, तो इन रेसिपीज को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए। और इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। क्रंची सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम लिया है बेसन, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 5-6 हमने यहाँ पर ली है लौंग, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 8-10 ली है काली मिर्च, 2 इलायची और 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमने साबुत अजवाइन ली है। इसके बाद में हाफ टी स्पून गरम मसाला चाहिए हमें, और जो सबसे छोटा चम्मच होता है मेजरमेंट का, मतलब 1/4 टीस्पून का, आधा हमने लिया है बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है और थोड़ी सी हमें चाहिए हींग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अजवाइन छोड़ के जो सभी मसाले लिए हैं हमने, उन्हें हल्का सा भूनना है। तो पैन चढ़ा दी है मैंने गैस पर और सभी मसाले इसमें ऐड करूंगी। तो इन मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट इसमें से हल्का सा एरोमा आ जाए तब तक ही हम इसे भूनेंगे। सो लीजिए गाइस, हमने मसालों को भून लिया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में निकाल लेती हूँ और इसे अच्छे से बारीक होने तक ग्राइंड कर लूंगी। सो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने सभी मसाले अच्छे से बारीक होने तक पीस लिए हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक बड़ा बाउल लिया है मैंने, इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप पानी। इसमें हमें सेव के लिए आटा लगाना है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसे लगाएंगे। पानी ऐड करने के बाद में हम इसी में ऐड कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, साथ ही साथ इसमें जाएगा गरम मसाला। और अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जो खड़े मसाले भूनकर अभी अभी हमने मसाला तैयार किया है, उसे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें हींग पाउडर भी ऐड करूंगी, इससे हमारे सेव को बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन हलवाई लोग इसमें जो हींग पाउडर है ऐड करते हैं। अब मसाला सेव को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ लेमन का जूस, जिसके सीड्स मैंने पहले ही निकाल दिए थे। और ये जो पानी का मिश्रण हमने मसालों के साथ तैयार किया है, इससे आपके जो सेव हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब जो ड्राई इन्ग्रीडियंट हैं इन्हें भी हम मिक्सअप कर लेते हैं। तो बेसन में मैंने ऐड किया है चावल का आटा और बेकिंग सोडा। चावल का आटा अगर इसमें ऐड करते हैं तो आपके सेव अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल भी कड़क नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन भी ऐड करेंगे। तो अजवाइन को मैं हाथों पर थोड़ा सा क्रश करके ऐड करूँगी ताकि इसका जो एरोमा है अच्छे से सेव में उतर जाए, और इसे मिक्सअप करेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो पानी और मसालों का मिश्रण हमने तैयार करके रखा है, इस ड्राई इंग्रेडिएंट वाले मिश्रण को हमें उसमें ऐड करना है। तो पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिकपी फ्लावर और बाकी के जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किए हैं इस मिश्रण को। पूरा मिश्रण मैंने इसमें डाल दिया है। साइड में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, जिससे हमारे जो सेव हैं अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे हल्का सा मिक्सअप करने के बाद अब मैं इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच गर्म ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को गर्म करना जरूरी है। और अब इसे अच्छे से मिक्सअप करते हुए हमें इसका एक हल्का सा पतला सा डो बनाना है, ना ही तो रोटी जैसा पराठों जैसा डो बनाएंगे, ना ही तो एकदम पतला बनाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक पतला डो प्रिपेयर करना है।
तो पानी हमें इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। अगर पहले ही ज़्यादा पानी ऐड करते हैं तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो देखिए गाइस, इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है सेव बनाने के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। सो देखिए गाइस, बैटर हमारा प्रिपेयर हो गया है, ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह का गैजेट सेव बनाने के लिए। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये दो जाली है मेरे पास सेव बनाने की, तो आई एम यूजिंग धिस वन। इसे फिक्सअप कर देते हैं। तो जितनी मोटी सेव आपको बनानी है उसका यूज़ आप कर लीजिए। अब हम इसमें फिल करेंगे हमारा जो बैटर है, तो इसे मैं खोलकर पहले ऑयल से ग्रीस कर देती हूँ ताकि बैटर जो है इस सांचे में चिपक ना जाए और इजीली हमारे सेव बन पाए। तो ऑयल से इसे ग्रीस कर देती हूँ। ऑयल अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा पानी वाला हाथ लेकर अब हम इसमें बैटर फिलअप करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो बैटर है हाथों पर चिपकेगा नहीं और आसानी से हम इसे फिलअप कर सकेंगे। देखिए गाइस, परफेक्ट हलवाई जैसी क्रिस्पी क्रंची सेव बनाने के लिए ज़रूरी है आपका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी और ऑयल के टेम्परेचर का सही होना। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पर शेयर किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप भी अगर इन मसाला सेव को बनाएंगे तो आपके सेव भी बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट बनेंगे। बैटर फिलअप करने के बाद इसे लॉक कर देते हैं। तो अब हमारा गैजेट रेडी है सेव बनाने के लिए। चलिए अब ऑयल का टेम्परेचर चेक करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करना है तभी हम सेव को ऑयल में छोड़ेंगे। अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है तो सेव आपके बहुत ही ऑयली हो जाएंगे। और गैस फ्लेम मैंने एकदम हाई पर रखी हुई है। अब एक बार हम सेव को कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो गैस फ्लेम को हमें मीडियम पर करना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके सेव ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। सो देखिए गाइस, अब दोनों साइड से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ये ना ही तो ज़्यादा लाल हुए हैं और ना ही अंदर से कच्चे हैं। चलिए फिर से मैं आपको एक बार सेव बनाकर दिखाती हूँ। वैसे जो हलवाई लोग होते हैं किसी भी गैजेट का यूज़ नहीं करते हैं सेव बनाने के लिए, उनके पास जो झारा होता है उसके ऊपर बैटर डालकर हथेली से ही घिसकर सेव बनाते हैं, तो उन्हें बाद में सेव को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे टुकड़ों में उनके सेव गिरते हैं कढ़ाई में। तो बचे हुए बैटर से सभी सेव में इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो मसाला सेव की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और इसका फीडबैक आप मुझे मेरे चैनल पर भी सेंड कर सकते हैं। और इस सेव को आप एज अ स्नैक भी खा सकते हैं या सेव भाजी के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सो लीजिए गाइज, आप मसाला सेव खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो ख़त्म होने से पहले इसे एक लाइक भी कर दीजिए। तो इन मसाला सेव को आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से क्रश करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह की रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।